एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं अपने किचन में बहुत ही स्वादिष्ट आलू पराठा बनाने जा रही हूँ। बिना स्टफिंग भरे हुए हम लोग आलू पराठा बनाएंगे। मैं खास कर ये बैचलर्स और बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। जिसे स्टफिंग भरने में प्रॉब्लम होता है वो आसानी से इसे बना सकता है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और फटाफट से हम लोग बनाते हैं आलू पराठा। आलू पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम आलू। इसे मैं पहले से बॉईल कर ली हूँ। इसे अच्छी तरह हम लोग मैश कर देंगे। ध्यान रहे ज्यादा गर्म आलू नहीं होना चाहिए। पोटैटो अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब हम लोग इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 teaspoon चाट मसाला पाउडर, 1/2 piece ओनियन है जिसे मैं बिल्कुल बारीक कट की हूँ। इस चीज का आप जरूर ध्यान दें, इसमें कोई भी चीज ऐड करें उसे बारीक कट करके ऐड करें। 1 teaspoon साल्ट, 3-4 pieces ग्रीन चिली, इसे भी मैं बारीक कट की हूँ। 1/2 teaspoon अजवाइन, थोड़ा सा कट किया हुआ कोरिएंडर लीव्स, इससे और भी टेस्टी बनता है हम लोगों का पराठा। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे आटा। मैं 1 cup ली हूँ। आटा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह डो तैयार करेंगे। इसमें हम लोग वाटर का यूज नहीं करेंगे। इसे थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे 1 teaspoon और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम लोग इसका डो तैयार करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं और भी बहुत सारा रेसिपी बैचलर्स और बिगनर्स के लिए पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को उसे देखना है तो ऊपर में आई बटन आएगा, उसे क्लिक करके देख लें। इसे अच्छी तरह हम लोग मसल कर इसका डो तैयार करेंगे। तो ये बैंडिंग हो चुका है। इसी स्टेज पे हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon देसी घी और इसे भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल चिकना सा हम लोग इसका डो तैयार कर लेंगे। घी के जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम लोगों का डो बिल्कुल चिकना सा बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसका बॉल तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा अपने हैंड पे आटे का डस्ट लेंगे और जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतना बड़ा इसमें से पोर्शन ले लें और इसे अच्छी तरह इस तरह से करते हुए हम लोग बॉल तैयार कर लेंगे। इसका अच्छी तरह हम लोग आटे का कोटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसे फ्लैट करेंगे। आपको जितना थिकनेस चाहिए उतना इसका थिकनेस रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका पराठा चिपक रहा है तो उसमें हम लोग फिर से आटे का डस्ट देंगे। बस पराठा का मुझे इतना ही साइज रखना है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस। अब हम लोग इसे कुक करेंगे। पराठे को कुक करने के लिए मैं पहले से तावे को हीट कर चुकी हूँ। अब हम लोग इस पे पराठे को ऐड कर देंगे और इसे 1 side से 1/2 minute तक कुक करेंगे। 1/2 minute बाद हम लोग इसका साइड चेंज करेंगे। 2nd side से हम लोग इसे अच्छी तरह से प्रॉपर कुक होने तक वेट करेंगे। इसे हम लोग चेक करेंगे कि 2nd side अच्छी तरह कुक हुआ है या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब हम लोग इस पे देसी घी अप्लाई करेंगे। आप इसके जगह पे बटर या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से इसका साइड चेंज करके इस पे भी हम लोग देसी घी को अप्लाई कर देंगे। इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट कुक हो जाए। तो ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो चुका है और इसी तरीके से हम लोग सारे पराठे को बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आप बैचलर्स या बिगनर्स हैं तो आप फ्लेम को मीडियम रखें, उसके बाद ही कुक करें। तो आप देख सकते हैं बिना स्टफिंग भरे भी हम लोगों का कितना फुला फुला सा पराठा बन के रेडी हो रहा है। तो एक बार आप मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा। मैं और भी बहुत सारे पराठा की रेसिपी पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर उसे आपको देखना है तो ऊपर में आई बटन आएगा, उसे क्लिक करके देख लें। तो लीजिए यहाँ पे गर्मा गर्म हम लोगों का आलू का पराठा बनके रेडी हो चुका है। इस मेथड से आप एक बार जरूर ट्राई करें, यकीन मानिए आपको जरूर पसंद आएगा। तो बैचलर्स और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिना स्टफिंग भरे और झटपट से पराठा बना के रेडी कर सकते हैं। इसे आप लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ता में झटपट से बनाना हो तो इसे बनाएं और एंजॉय करें। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी
है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, मैं टिकटॉक पे भी अवेलेबल हूँ, आप वहाँ भी जाकर मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।